हेलो ऑल। सो वी रीच अमृत सुदेव ढाबा। ये मुत्तल में है जो कि 1.5 आवर ड्राइव है फ्रॉम दिल्ली। और अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो मोर देन 3 आवर भी लग सकता है, स्पेशली ऑन वीकेंड बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है। प्योर वेज रेस्टोरेंट है बट द टेस्ट इज़ वाओ। लाइक आपको यहाँ पे पंजाबी डिशेस के बहुत ऑप्शन मिलेंगे, चाहे आप ब्रेकफास्ट के लिए आते हो या डिनर लंच के लिए आते हो या डिनर के लिए आते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी आपको फूड यहाँ पे मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे इनके स्वीट्स के कलेक्शन भी मैं जो है स्वीट्स के ऑप्शंस भी मैं इसमें वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे स्वीट्स थे, मैंने काफ़ी सारे स्वीट्स ट्राई किए और काफ़ी फ्रेश, एकदम फ्रेश आपको यहाँ की मिठाई भी है। प्लम केक भी मैंने ट्राई किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही टेस्टी है। सो ये मुत्तल में लाइक वन ऑफ द फेमस ढाबा है और आप यहाँ पे ज़रूर कभी ना कभी अब जब भी दिल्ली साइड या हाईवे साइड जा रहे हो, लेकिन हिमाचल जा रहे हो, उत्तराखंड, पंजाब, तो आपको ये रास्ते में ही पड़ता है और आप यहाँ ज़रूर मस्ट विज़िट करें, स्पेशली फॉर एनीथिंग ब्रेकफास्ट या लंच। आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा यहाँ पे और प्योर वेज है और बहुत अच्छा है। स्पेशली वीकेंड्स पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, आपको कभी कभी जगह भी नहीं मिलती है, लाइक मोर देन 1 आवर भी आपको वेट करना पड़ सकता है ऑन वीकेंड्स। वीकडेज पे आप जाएंगे तो क्राउड रहता है बट उतना नहीं रहता है, तो आप इजली यू नो अपना खाना टाइम पर ले सकते हैं। और ये देखिए स्वीट्स के काफ़ी अच्छे वैरायटीज़ थी यहाँ पे, ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके स्वीट्स के भी और एकदम फ्रेश स्वीट्स है ये। आप मतलब एक एक मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे ट्राई किए थे स्वीट्स के भी। और यहाँ की लस्सी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लस्सी इवन चाय भी यहाँ पे केसर टी जो मिलती है, ये है इसका मेन्यू कार्ड। तो रेट्स भी बहुत मतलब अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉस्टली है या कुछ है, यहाँ के रेट्स भी नॉर्मल रेस्टोरेंट जैसे ही है। तो हमने यहाँ से आलू का पराठा एंड एक वेज थाली ऑर्डर की है। ये देखिए थाली में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं और ये आलू के पराठे के साथ जो वाइट मक्खन है वो पूरा होममेड मक्खन दिया हुआ है, बहुत ही टेस्टी था। थाली में बहुत ऑप्शंस है, 3 वेजिटेबल्स रहती है, पनीर, मिक्स वेज, गोभी एंड दाल मखनी रहती थी। साथ में सैलेड, छाछ, पापड़ और दही, स्वीट डिश, गुलाब जामुन और खीर, दोनों ऑप्शन रहते हैं। आप चपाती वीट या तंदूरी जो भी है वो ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ की लस्सी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बाहर का व्यू मैंने
कवर किया है जो अमृत सुखदेव है। यहाँ पे पार्किंग की कोई कमी नहीं है, बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा आपको पार्किंग, मतलब आपको ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे पार्किंग का स्पेस। सो अब थॉर को वॉक कराने के बाद हम निकल चुके हैं आप आगे अपने उत्तराखंड की ट्रिप के लिए। आगे के वीडियोस हम कवर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर। और ये थॉर की मस्ती तो चलती रहेगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है गाड़ी में, स्पेशली जब भी हम हिल स्टेशन जाते हैं तो उसे यहाँ के वेदर बहुत ही पसंद है। तो ये देखिए, इसकी मस्ती तो पूरे ट्रिप में ऐसे चलती ही रहेगी। आगे और वीडियोस देखिए, बाय।